नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। प्रश्न में क्या कहा है आपसे? यदि फलन f r2r तथा g r2r, यहाँ पे दो फलन की बात की गई है, f और g की, और दोनों किस प्रकार से परिभाषित है? दोनों वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, राइट? और फलन fx क्या दे रखा है? फलन fx बराबर x upon 2 दे रखा है और gx बराबर 2x दे रखा है। यहाँ पे आपको g और fx निकालना है ना? तो ये क्या है? संयुग्मी है। आपने संयुग्मी मुझे लगता है बहुत अच्छे से पढ़ा है। GOF निकालने का मतलब है कि G के अंदर आपको क्या रखना है? F को रखना है। तो यहाँ पे जब आप GOFX निकालेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं? आप इसको GFX लिख सकते हैं। GFX मतलब जैसे यहाँ पे GX है ना, तो इस X की जगह पर अब क्या रहेगा? FX रहेगा। और जी एक्स किसके बराबर है? 2x के बराबर है, है ना? तो यहां आप लिख सकते हैं 2x, x की जगह पर क्या है? fx है। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 की गुणा करवानी है fx से, समझे आप? यहाँ पे x की जगह पर हमने fx रख दिया और fx का मान क्या है? x upon 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और fx का मान जो था x upon 2 वो रख दिया, राइट? अब इसको थोड़ा सा आप हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपके पास? x आया। तो GOFX का मान कितना आया? x आया। तो यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कि जो पहले वाला विकल्प है यही सही उत्तर है, राइट? अब ये तो था GOF। इसी तरीके से FOG भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे यदि f r2r तथा g r2r, यहाँ पे दो फलन की बात कही गई है f और g की, दोनों वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, और fx जो आपको फलन दिया है वो दिया है cos x के बराबर, और जो gx दिया है वो दिया है 3x square के बराबर। इन दोनों फलनों के लिए आपको GOF और FOG का मान ज्ञात करना है और ये भी सिद्ध करना है कि दोनों बराबर नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों मान आ जाए तो सिद्ध खुद ही हो जाएगा ना, वो तो आपको पता ही चल जाएगा इनके मान कैसे आए। अगर अलग अलग आए तो आप कहेंगे कि ये बराबर नहीं है, एक जैसे आए तो आप कह देंगे कि बराबर है। तो मतलब आपको अल्टीमेटली करना क्या है? इनके मान निकालने हैं, राइट? तो GOF का मान निकाले या FOG का मान निकाले, दोनों में कैसा प्रोसीजर लगेगा? GOF के लिए आप यहाँ पे G में क्या रख देंगे? GOF के लिए G में fx रख देंगे, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं GFX, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना? और ये बताइए GX का मान क्या है? 3x square। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 3x का square है ना, x क्या था जो यहाँ पे G के ब्रैकेट में है, और यहाँ पे G के ब्रैकेट में है fx। तो इसका मतलब इस बार x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? fx लिखने वाले हैं, और यहाँ पे हम fx का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा? अब आपको जानना है कि fx का मान क्या है। fx का मान है यहाँ पे cos x, तो इधर आप करेंगे cos x का वर्ग, है ना? तो ये cos x का वर्ग हो गया। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको 3 cos square x भी लिख सकते हैं। तो ये तो आया GOF का मान। अब हम बात करेंगे FOG के बारे में। तो ये बताइए FOG को आप क्या लिख सकते हैं? FOG का मतलब आपको अब F के अंदर क्या रखना है? GX रखना है ना? जैसे GOF में
जी के अंदर ये बाद वाला मतलब एफ एक्स रख दिया था, तो एफ ओ जी में एफ के अंदर जी को रख देंगे, मतलब यहाँ पे जी एक्स कर देंगे। तो यहां बताइए एफ एक्स का मान क्या था, कॉस एक्स था, तो ये तो हो गया कॉस। क्या हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे बताइए, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ एक्स लिखना है? नहीं ना, यहाँ पे वो आएगा जो एफ के ब्रैकेट में है। यहाँ पे एफ के ब्रैकेट में एक्स था तो एक्स आ गया, यहाँ एफ के ब्रैकेट में जी एक्स है तो यहाँ पे जी एक्स आएगा, ये तो आएगा। और ये बताइए जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान 3x² है, तो यहाँ पे आएगा 3x². तो क्या ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं? ये है 3cos²x और ये है cos 3x², क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे 3cos²x इज नॉट इक्वल्स टू cos 3x², 3cos²x 3x cos 3x² के बराबर नहीं है ना, ये किसका मान था, ये जीओ एफ का मान था। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जीओ एफ इज नॉट इक्वल्स टू, ये बराबर नहीं है किसके, एफ ओ जी के, राइट। ये तो हमें सिद्ध करना था, हमें क्या करना था, इन दोनों के पहले मान निकालने थे, ये आपने मान निकाल लिए, जीओ एफ का ये मान आ गया, एफ ओ जी का ये मान आ गया, और यहाँ आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों मान बराबर नहीं है, क्लियर। तो संयुक्त में तो आप कर ही लेंगे ना किसी भी फलन का। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ab, मतलब यहाँ के क्रमित युग्म कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक मिलना चाहिए। यहाँ पे एक संबंध r की बात हो रही है जिसके क्रमित युग्म कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। और ये a और b कहाँ के होने, और ये a और b क्या होने चाहिए, ये कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय लिया है ना, तो मतलब a और b कोई पूर्णांक है और उसके आपको क्रमित युग्म इस प्रकार से बनाने हैं कि उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इस प्रकार से परिभाषित एक संबंध है आपके पास और आपको इसकी तुल्यता का परीक्षण करना है। तुल्यता का परीक्षण करना मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है, आपको ये जांच करनी है कि जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो बात आई है यहाँ पे तुल्यता संबंध की, है ना। तो अब आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो बताइए तुल्यता संबंध क्या होता है, पता होगा ना आपको, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, जब वो स्वतुल्य होगा और सम्मित होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी बताइए, तीन प्रकार के संबंध होते हैं ना तुल्यता संबंध के अंदर, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। बिल्कुल सही बात है, जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, वो संबंध क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तो तुल्यता संबंध का परीक्षण करने के लिए हमें तीनों का परीक्षण करना है कि क्या संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम स्वतुल्य से। तो स्वतुल्य के लिए आप मुझे ही बताइए क्या कंडीशन होती है, कोई संबंध स्वतुल्य कब होता है, जल्दी से बताइए। आप जानते हैं कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए, मतलब दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए जो संबंध है उसमें इस प्रकार के क्रमित युग्म होने चाहिए, यही होता है ना। a आपका कोई भी समुच्चय होता है उसके हर एक अवयव के लिए इस प्रकार के क्रमित युग्म दिए गए समुच्चय में, दिए गए संबंध में होने चाहिए। अगर है तो संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, अन्यथा नहीं है। अब ये बताइए, अगर हम कहते हैं कि माना a बिलोंग्स टू z, मतलब a आपने कोई भी एक पूर्णांक ले लिया, तब इसका जो क्रमित युग्म बनेगा वो इस प्रकार से बनना चाहिए। अगर a a बिलोंग्स टू r होगा तो a माइनस a एक पूर्णांक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्रमित युग्म के दोनों अवयव है ना, उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर a a बिलोंग्स टू r होगा तो a माइनस a कितना आएगा, जीरो आएगा। और ये बताइए क्या जीरो एक पूर्णांक है ना। आप कहेंगे जीरो एक पूर्णांक है, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, क्योंकि वो इसको संतुष्ट कर रहा है ना, दिए गए संबंध जैसा संबंध परिभाषित है उस प्रकार से इसको संतुष्ट कर रहा है।
हमने ये कहा था कि किसी भी समूचे के प्रत्येक अवयव का इस प्रकार का क्रमित युग्म उस संबंध में होना चाहिए। इस संबंध के जो क्रमित युग्म है उनका उनके अवयवों का अंतर एक पूर्णांक आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर एक कोई पूर्णांक है तो इस प्रकार का क्रमित युग्म संबंध में होगा तो संबंध स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये क्रमित युग्म इसमें आ सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है वो जीरो आ रहा है, और क्या जीरो एक पूर्णांक है? तो हाँ, जीरो एक पूर्णांक है, तो संबंध कैसा हो गया? स्वातुल्य हो गया। क्या? अब हम बात करेंगे सम्मित की। सम्मित के लिए क्या ये संतुष्ट करेगा? सम्मित क्या होता है, कोई बताएगा? आप जानते हैं कि कोई भी एक क्रमित युग्म इस प्रकार से एक संबंध में हो तो बी ए के रूप में भी एक क्रमित युग्म उस संबंध में होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब तो संबंध सम्मित होगा, अन्यथा वो सम्मित नहीं होगा। राइट? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्रमित युग्म इसमें है, संबंध में है, अतः इसका मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि इसमें अगर ये क्रमित युग्म है तो a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये संबंध परिभाषित ही इसी प्रकार से है ना। तो अगर कोई एक पूर्णांक आपके पास दो है तो ये बताइए क्या माइनस दो पूर्णांक नहीं होगा? और अगर कोई पूर्णांक माइनस तीन है तो ये बताइए माइनस माइनस तीन मतलब कि प्लस तीन एक पूर्णांक नहीं होगा? होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि a माइनस बी एक पूर्णांक है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस यहां से माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस a एक पूर्णांक होगा? कह सकते हैं ना कि ये भी एक पूर्णांक होगा, कुछ किया थोड़ी है, सिर्फ माइनस ही तो कॉमन लिया है। अगर माइनस बी माइनस ए एक पूर्णांक है तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए एक पूर्णांक है ना, क्योंकि किसी का आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही तो पूर्णांक होते हैं। और अगर b माइनस एक पूर्णांक है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस रूप के सारे अवयव के क्रमित युग्म उस संबंध में होंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा, और सम्मित के लिए यही तो चाहिए होता है कि कोई भी क्रमित युग्म अगर संबंध में है तो उसका रिवर्स मतलब पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में, है ना। तो ये भी उसी में होना चाहिए, और यहाँ पे हम लेके चले थे कि ये अगर संबंध में है तो ये भी होना चाहिए, और वो हमें मिल गया। अतः संबंध कैसा है? आप कह देंगे अतः दिया गया संबंध सम्मित है। राइट? तो अभी हमने यहाँ पे स्वातुल्य भी सिद्ध कर दिया और सम्मित भी सिद्ध कर दिया। अब बात आती है संक्रामक की। क्या ये संबंध संक्रामक भी होगा? तो अब आप मुझे संक्रामक की स्थिति बताइए, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि कोई संबंध संक्रामक कब होगा? अगर कोई क्रमित युग्म ए बी आर में है और बी सी आर में है, मतलब उस संबंध में इस प्रकार के दो क्रमित युग्म है, तो यहाँ से ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस प्रकार के दो क्रमित युग्म आर में है तो ए सी हमें आर में चाहिए। तो यहाँ पे इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया संबंध संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। माना ए बी और बी सी आर में है, तो बताइए अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब ए माइनस बी एक पूर्णांक है तथा बी माइनस सी एक पूर्णांक है ना। ये दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब ये बताइए अगर हमारे पास कोई पूर्णांक है टू और माइनस थ्री, क्या इन दोनों पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक आएगा? हाँ आएगा, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, लेकिन इन दोनों का जो योग आएगा वो भी एक पूर्णांक ही आएगा। मतलब दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे कहा है कि a माइनस बी और b माइनस सी पूर्णांक है, तो इन दोनों का योग भी पूर्णांक होगा, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः a माइनस बी प्लस b माइनस सी पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांकों का योग भी तो पूर्णांक होगा।
तो जब इन दोनों का योग एक पूर्णांक है, तो इनका योग करने पर देखिए माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए माइनस सी। तो ए माइनस सी क्या है, ये एक पूर्णांक होगा, राइट। जब ये पूर्णांक है तो इनको हल करके ए माइनस सी बचा, तो ये एक पूर्णांक है। और इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई पूर्णांक है, तो मतलब इसका जो क्रमित युग्म बनेगा वो संबंध में होगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ए कॉमा सी आर में होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्रमित युग्म में दोनों अवयवों का अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। और अगर हम इन दोनों अवयवों के अंतर को पूर्णांक बोल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों अवयवों से बना एक क्रमित युग्म उस संबंध का हिस्सा है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया था कि ए बी और बी सी संबंध का हिस्सा है, तो ए सी भी होना चाहिए और हो भी गया। अतः संबंध कैसा है, अतः संबंध संक्रामक है। और अगर संबंध हमारा संक्रामक भी हो गया, सम्मित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। आप लिखेंगे, चूंकि दिया गया संबंध कैसा है, हमने यहाँ पे तीन प्रकार से इसको सिद्ध किया है, स्वतुल्य है, सममित है तथा तीसरा क्या है, संक्रामक है। ये संबंध इन तीनों को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह तुल्यता संबंध है, राइट है। तो इस प्रकार से ये एक संबंध हो गया। यहाँ पे बस क्या कर देंगे, तुल्यता संबंध ही सिद्ध करने के लिए दे देंगे, लेकिन इसकी जगह कोई और संबंध परिभाषित कर देंगे। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन तो यही आना है, बस उसके मान बदल दिए जाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी संबंध आपको सिर्फ तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए दे। तुल्यता संबंध आपके तीन संबंध से मिलकर बनते हैं ना, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कोई दो संबंध सिद्ध करने के लिए दिए जाए। जैसे यहाँ पे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है, हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, या फिर स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है। या फिर मतलब कोई एक सिर्फ सम्मित है या फिर सिर्फ संक्रामक है, तो कुछ भी इनमें से घुमा फिरा के तोड़ के छोटा क्वेश्चन भी किया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता के लिए तो आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई एक या दो सिद्ध करने के लिए दे दिए जाए। जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि समुच्चय आपको दिया है 1 2 3 जिसके अवयव हैं, और संबंध में ये वाले क्रमित युग्म में है, और आपको सिद्ध करना है कि जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य है। तो आप कहेंगे कि संबंध स्वतुल्य होगा यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होगा, जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब ए के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए, ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना। तो आप कहेंगे जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए 1 के लिए 1 1 है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए है, इसके लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू ए है, तो इसके लिए 2 2 बिलोंग्स टू आर है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, और 3 बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पे 3 3 बिलोंग्स टू आर है। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब एक में जितने भी अवयव थे उसके लिए ये तीनों अवयव, ये उसके लिए ये तीनों क्रमित युग्म इस आर में आ रहे हैं, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। यही तो सिद्ध करना था, राइट। तो ये तो था इसको सिद्ध करने के लिए। हो सकता है कि ये वाला प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस में आ जाए, विकल्प में आ जाए, तो विकल्प में आपको विकल्प दे दिए जाएंगे कि बताइए कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या फिर तुल्यता है। तो आप यहाँ पे तीन सबके लिए चेक करेंगे तो स्वतुल्य आ गया, तो ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि स्वतुल्य आ गया और स्वतुल्य को मार्क कर दिया। हो सकता है वो सममित भी हो सकता है वो संक्रामक भी हो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता, तुल्यता संबंध हो जाता है ना। तो जब इस प्रकार से आए तो आपको सारा हल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे ना शब्द घुमा देते हैं,
प्रश्न वही रहते हैं, आपको आता सब है, बस यहाँ पे घुमा फिरा के दे देते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न भी आ रखा है पहले, एफ एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ एक अंतराल दे रखा 0 से π/2 का, यहां से वास्तविक संख्याओं पर ये परिभाषित है फलन एफ। अब इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें था वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित था, यहाँ पे एक अंतराल से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। तो मतलब आपका ना ये प्रश्न घुमा दिया जाता है लेकिन प्रश्न वही रहता है। तो एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो कि इस अंतराल से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, और दूसरा फलन दिया है जी एक्स बराबर कॉस एक्स जो कि इस अंतराल से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। आप देख रहे हैं फलन एफ और जी दोनों कैसे हैं, दोनों 0 से π/2 के अंतराल से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि एफ और जी तो एकैकी है लेकिन एफ प्लस जी एकैकी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि एफ और जी तो हम सिद्ध कर देंगे कि एकैकी है, लेकिन एफ प्लस जी कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एकैकी नहीं है क्योंकि यहाँ तो अंतराल दिया ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ एफ और जी का दोनों का प्रांत और सहप्रांत था वो कैसे है, बराबर है, एक जैसे है। मतलब यहाँ पे भी इस अंतराल से आर पर परिभाषित था, यहाँ पे भी सेम अंतराल से आर पर परिभाषित था। तो इस हिसाब से एफ प्लस जी भी आपको इसी प्रकार से लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा रहेगा एफ और जी को एकैकी सिद्ध करना, है ना। और आप जानते हैं कि एकैकी सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेना होता है। और इसकी मदद से आप यहाँ सिद्ध करेंगे कि एक्स वन बराबर एक्स टू है या नहीं है। एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स वन, और एफ एक्स टू साइन एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स टू आ जाएगा। अब साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू है तो ये कहना क्या सही होगा कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, बताइए। आपको याद होगा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो वहां हमने देखा था कि जो साइन का ग्राफ है वो किस प्रकार से जाता है, वो इस प्रकार से जाता है ना। यहाँ पे ये होती है इसकी एक्स अक्ष और ये होती है इसकी वाई अक्ष। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो वाई का अंतराल होता है वो -1 से 1 तक होता है, और साइन के लिए पूरी की पूरी वास्तविक संख्या ले सकते हैं हम, राइट। और यहाँ पे हमें फलन परिभाषित किया है जो एक्स है, मतलब y बराबर साइन एक्स का फलन है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें वास्तविक संख्याएं रखनी है और वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रांत का अंतराल है वो 0 से π/2 तक का है, मतलब आप यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं बस यहाँ पे, ठीक है। तो इधर क्या आपको कोई भी ऐसा मान मिल रहा है इस अंतराल में जो कि रिपीट हो रहा होगा, नहीं। तो इस अंतराल में आप देख रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए आपको y का एक ही मान मिल रहा है, ना तो कोई रिपीट हो रहा है और ना ही कोई ऐसा है जिसके लिए आपको मान ना मिल रहा हो, है ना, इस वाले अंतराल में। तो इस वजह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के लिए एक्स वन बराबर एक्स टू है, अतः जो दिया गया फलन एफ है वो कैसा है, एकैकी है। बस एकैकी के लिए इतना सा ही तो सिद्ध करना होता है। अब हम यहाँ पे जी के लिए करेंगे, तो जी के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू ले लेंगे। अब ये बताइए जी एक्स वन का मान क्या लिखना होगा, आप बताइए जी एक्स वन का मान हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स वन, है ना, और जी एक्स टू का मान क्या लिखेंगे, कॉस एक्स टू, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है, जहां पे ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है ना। तो अब यहाँ पे फिर से हमें अंतराल की बात करनी है, यहाँ पे भी 0 से π/2 तक का अंतराल लिया है, तो क्या इस अंतराल में आपको कोई भी ऐसा मान मिल रहा है जो रिपीट हो रहा होगा, हमें तो नहीं मिल रहा है ऐसा। आप यहाँ देखेंगे कि इस अंतराल में x के प्रत्येक मान के लिए आपको y का एक ही मान मिलेगा, ना तो कोई रिपीट होगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसके लिए मान ना मिले। तो x के प्रत्येक अवयव के लिए y का एक अवयव मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू है तो कॉस एक्स वन बराबर कॉस एक्स टू होगा, और इस हिसाब से आप जानते हैं कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। तो अतः ये जो फलन जी है ये भी कैसा होगा, एकैकी होगा। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि अगर एफ एक्स ये है इस अंतराल में परिभाषित है और जी एक्स बराबर कॉस एक्स है जो कि इस अंतराल में परिभाषित है, तो इसके लिए सिद्ध करना है कि एफ और जी कैसा है,
एक एक ही है और ये आपने सिद्ध कर दिया। अब दूसरी चीज ये है कि f प्लस जी एक एक ही नहीं है। तो ये देखिए, ये प्रश्न मजेदार इसलिए है क्योंकि टीचर ने यहाँ पे एक ही प्रश्न में हमारी इंटेलिजेंस चेक कर ली। एक तो ये कि बच्चे को पता है यानी कि वो एक एक ही फलन कब होगा, दूसरी ये कि बच्चे को यहाँ पे अंतरालों का ज्ञान है या नहीं, और तीसरी चीज ये कि क्या बच्चा ये कर सकता है कि दो फलन का योग कैसे करेंगे। बताइए, अगर आपको कुछ फलन एफ एक्स और जी एक्स दिए हों तो क्या आप उन दोनों फलनों का योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ एक्स है साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिया हमने सीधा सीधा साइन एक्स। जी एक्स है कॉस एक्स, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस एक्स। तो एफ प्लस जी क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो फलन आया एफ प्लस जी। अब आपको जानना है कि एफ प्लस जी अंतराल 0 से π/2 आर में एक एक ही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बार लेंगे एफ प्लस जी एक्स वन और ये बराबर रखेंगे एफ प्लस जी एक्स टू के। ठीक है, क्या इसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि अगर एफ प्लस जी एक्स वन बराबर एफ प्लस जी एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू भी होगा? क्या आप कह सकेंगे? देखिए, यहाँ पे ना सीधा सीधा पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे f प्लस जी जीरो का मान निकाले तो क्या आएगा आपके पास? ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस कॉस जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो ये तो आ जाएगा वन। और अगर आप निकाले f प्लस जी पाई बाय टू तो यहां से आपको मिलेगा साइन पाई बाय टू प्लस कॉस पाई बाय टू, है ना। और साइन पाई बाय टू का मान क्या होता है? वन होता है। और कॉस पाई बाय टू का मान जीरो होता है, तो ये भी वन आया। तो आप देख रहे हैं, एक से ज्यादा बिंदुओं पर हमें समान मान मिल गए, एक जैसे मान मिल गए, है ना। तो इस वजह से ये क्या कि नहीं होगा। आप यहाँ पे सीधा कहेंगे अतः एफ प्लस जी एक की नहीं है, राइट क्योंकि यहाँ पे अंतराल के अंतिम बिंदुओं से ही पता चल रहा है ना कि इसमें ये कह की हो ही नहीं सकता, राइट। एक है कि तो वही होगा ना जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा होगा, है ना। और यहाँ पे तो ए के दो अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब मिल रहा है, तो मतलब ये एक है कि नहीं है, ये बहुएक है ना।